स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो में। आज की कक्षा में हम हार की जीत पाठ का जो मौखिक अभ्यास कर रहे थे, यानी पढ़ने का अभ्यास कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे और इस कहानी के बारे में जानेंगे कि आखिर बाबा भारती ने खड़क सिंह से ऐसा क्यों कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो देखिए मेरे साथ किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है। तो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा ध्यान से देखिए। अब देखिए, जब बाबा भारती ने कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, तो खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ ना समझ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गढ़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी भी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई भी संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे उच्च विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रातें सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ी थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें, ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। तो ये सारी बातें जो है खड़क सिंह के मन में चल रही थी। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी का, किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य रहा होगा जब खड़क सिंह आया होगा रात को और उसने बाबा भारती का जो सुल्तान था वह उसी की जगह में बांध दिया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही वो निराशा ने पांव को मन मन भर कर बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को
गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के पिछड़े हुए पुत्र को मिल रहा हो। तो फिर से देखिए इस कहानी में कितना सुंदर दृश्य हम कल्पना कर सकते हैं। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते हुए, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। क्या बोला? अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो ये लिखा गया है सुदर्शन जी द्वारा। तो ये बहुत सुंदर पाठ है और इस पाठ को जितने ज्यादा पढ़ो उतना अच्छे से ज्यादा समझ आता है और उसको पढ़ने में उतनी ही रुचि बढ़ती है। तो यहाँ हिंदी के कुछ ऐसे पाठ हैं जो शायद हर विद्यालय की पुस्तकों में होते हैं और हर कोई इनको पढ़ता है कभी ना कभी। तो इसमें जो शब्द आए हैं उनका प्रयोग करने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से हिंदी पढ़ने की रुचि को बढ़ाइए ताकि सब पढ़ें और सब पढ़ें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सब आगे बढ़ते रहिए।